मतलब स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन। ठीक है, तो एडिशन करने से पहले हमें एडिशन का सिंबल मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो एडिशन का सिंबल होता क्या है? तो एडिशन का सिंबल होता है एक स्टैंडिंग लाइन और फिर उसके जस्ट बीच में एक स्लीपिंग लाइन, है ना। तो इसको हम, इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? एडिशन का सिंबल। ठीक है, और एडिशन का मतलब क्या होता है कि जब हम कुछ चीज़ें काउंट करते हैं ना एक साथ, जैसे इस तरफ टू पेंस रखे हुए हैं, 1 2, इस तरफ कितने रखे हुए हैं, 1 2 3, ओके। तो इन सबको एक साथ काउंट करेंगे, एडिशन मतलब इन सबको एक साथ काउंट करना। तो हमारे पास टोटल पेंस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, है ना। तो टोटल पेंस हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5। समझ में आया आपको एडिशन का मतलब क्या होता है? इस तरफ हमारे पास 2 पेंस थे और इस तरफ हमारे पास 3 पेंस थे और बीच में सिंबल किसका है, एडिशन। तो एडिशन का मतलब होता है इन सबको एक साथ काउंट करना, है ना, इन सबको एक साथ काउंट करना, इसे हम बोलेंगे एडिशन। अंडरस्टैंड? एक मैं आपको और एग्जांपल दे रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था वो ये वाला था कि जैसे यहाँ पर मैंने क्रेयॉन्स रखे, ये आपको है ना एडिशन का सिंबल दिख रहा है, बीच में स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, ओके। तो इस तरफ मेरे पास कितने क्रेयॉन्स है, 1 2 3 4, ओके। इस तरफ कितने क्रेयॉन्स है, 1 2 3 4, ओके। इस तरफ भी 4 क्रेयॉन्स है और इस तरफ भी 4 क्रेयॉन्स है। तो अब क्या होगा, एडिशन करना है ना, इसका मतलब इन सबको एक साथ ला के जोड़ना है। ठीक है, मतलब इन सबको एक साथ काउंट करेंगे हम अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल क्रेयॉन्स कितने हो गए हमारे, 8, है ना। 4 + 4 = 8, अंडरस्टैंड। ये कम टू द एक्सरसाइज, ओके, एडिशन। यहाँ पर कितने नंबर है, 2 लिखा हुआ है ना, 2 नंबर है। तो हमें यहाँ पर कितनी लाइंस बनानी है, 2 लाइंस, 1 2। देन नेक्स्ट नंबर इज अगेन 2, तो एक बार वापस 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, तो अब क्या है सिंबल एडिशन? तो एडिशन मतलब इन सारों को एक साथ काउंट करना है। तो चलो स्टार्ट करें, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 4, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नंबर 4, तो हमें कितनी लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, 4 लाइंस। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4, ओके। नेक्स्ट 2 1 2, एडिशन मतलब इन सारी लाइंस को एक साथ काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 6, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 2, तो हमको कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 2 लाइंस, 1 2 0। 0 का मतलब क्या है, हमको कुछ भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो अब 0 तो कुछ है ही नहीं, तो हमारी लाइन सब टोटल कितनी होती है, 1 2, क्योंकि 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, इसलिए मैम ने यहाँ पर एक भी लाइन ड्रॉ नहीं की है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। देन नेक्स्ट यहाँ पर कितना है, 3 है ना, तो हमको कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, 3 लाइंस, 1 2 3, ओके, 2, 1 2, ऐड करना है, इसका मतलब हमें इन सारे लाइंस को एक साथ काउंट करना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। देन द नेक्स्ट इज 4, 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर कितना है, 1 है, तो हमको 1 लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एडिशन मतलब होल लाइंस हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमें पूरे लाइंस को काउंट करना है। देन द नेक्स्ट इज 3, तो हमको कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पर, 3 लाइंस, 1 2 3, ओके। देन नेक्स्ट नंबर इज अगेन 3, तो वापस हमको 3 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओके, 1 2 3, अब हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एडिशन था इसलिए हमने सारी लाइंस को एक साथ में काउंट किया है ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4,
तो हमें कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है, फोर लाइन्स। कितनी लाइन्स, फोर, 1 2 3 4। ओके अगेन, नीचे कितना दिया हुआ, नीचे वाला नंबर कौन सा है, फाइव है, तो कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, फाइव, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, एडिशन में इन सारी लाइन्स को एक साथ में काउंट करेंगे, है ना। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 9। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नंबर इज 3, 1 2 3। ओके, यहाँ पर भी क्या है, 3 है, अगेन 3 आ गया, 1 2 3। अब क्या करेंगे हम, इन्हें सारी लाइंस को एक साथ काउंट करेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। ओके, देन नेक्स्ट 4, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर भी 4 है, तो वापस 4 लाइंस, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे हम, इन सारी लाइंस को ऐड करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, 8। लास्ट वाले क्वेश्चंस है ना, ये 3 क्वेश्चंस, 4 प्लस 2 3 प्लस 2 एंड 3 प्लस 6, ये जो 3 क्वेश्चंस है, मैं आपको ये खुद करने के लिए दे रही हूँ, आपको खुद को करना है। ओके, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है ना, तो आपको यहाँ पर 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है। यहाँ पर क्या लिखा है, 2, तो आपको यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है। फिर इन सारी लाइन्स को एक साथ ऐड करके आपको जो भी आंसर आए वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको 3 लिखा है, तो कितनी लाइन ड्रॉ करोगे, और यहाँ पर 2 लिखा है, तो कितनी लाइन ड्रॉ करोगे। फिर लास्ट में क्या करोगे, आप इन सारी लाइन्स को ऐड कर दोगे, और फिर जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। अंडरस्टैंड, 3 लाइन 6 लाइन ऐड करना है उनको, फिर जो भी आंसर आए वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, थैंक यू।